आज हम जानने वाले हैं कि सीओडी पैकेट में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से पैकेट डिलीवर करने चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर वन पे है कि जब भी आप कंपनी जाएं और वहां से जब पैकेट पिक करते हैं तो सीओडी हो या पेड पैकेट हो, तो उनको जब हम पिक करते हैं तो उसमें खास ध्यान रखना चाहिए कि कोई पैकेट खुला तो नहीं है या फिर कोई पैकेट में कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे नंबर पे कि जब भी आप कस्टमर के पास जाएं तो अगर उनका सीओडी पैकेट है तो उनसे कैश पहले कलेक्ट करें और पैकेट बाद में दें, क्योंकि इसमें काफी दिक्कत आती है कि कस्टमर आपसे पैकेट ले लेते हैं, घर चले जाते हैं, बोलते हैं कैश लेके आ रहे हैं, उसके बाद वो अंदर ओपन कर लेते हैं पैकेट को और उसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो आपके ऊपर ब्लेम करते हैं या फिर आपको कैश देने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कैश कलेक्ट करना है, उसके बाद ही पैकेट देना है। ठीक है, तीन नंबर पे आता है कि जब भी आप कोई पैकेट डिलीवर करने जाते हैं सीओडी, तो उस समय आपके पास 1000 से 500 रूपये या 1000 से 1500 रूपये तक का आपके पास चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर चेंज पैसा नहीं होगा तो उसमें दिक्कत आती है। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि कुछ रुपए तो आपके पास चेंज होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कस्टमर आपको 500 का भी अगर पैकेट है तो उसमें दिक्कत हो जाती है कि अगर उनका 450 या 440 रुपए का हुआ तो आपके पास 60 रुपए कभी कभी नहीं निकलते हैं, सिर्फ 50 निकलते हैं, तो उस केस में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आपको चेंज तो जरूर रखना चाहिए। ठीक है, कि जब भी आप कोई पैकेट डिलीवर करते हैं उसके बाद कस्टमर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप वेट कर लीजिए, मैं जरा उसको ओपन कर लेता हूँ, पैकेट में कोई दिक्कत तो नहीं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि सिंपल एक वीडियो बना लेना चाहिए, या तो कस्टमर के फोन से बना लो या अपने फोन से बना लो, और कस्टमर से बोल दो खोल लो आप, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो कस्टमर अगर खोलता है पैकेट, उसमें कोई दिक्कत आती है, तो आप कस्टमर को प्यार से समझा दीजिए कि सर ये ऐप है आपका, जहां से आपने ऑर्डर किया था वहीं से आपका रिप्लेस होगा या फिर आपका रिटर्न होगा। मैं सिर्फ डिलीवरी मैन हूँ, मुझे पैकेट दिए जाते हैं जो कि मैं सिर्फ डिलीवर करता हूँ, मेरा काम है डिलीवर करना, जो पिकअप वाला होता है या रिटर्न वाला होता है वो कोई और करता है। तो सर आप इसको ऐप से या वेबसाइट से जहां से आपने मंगाया है वहां से आप रिजेक्ट कर दीजिए और रिटर्न कर दीजिए, उसके बाद वो लोग आएंगे और नेक्स्ट डे पिक कर लेते हैं, इसलिए निश्चिंत रहिए आपका रिफंड या फिर रिप्लेस तुरंत करवाया जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि आपको कस्टमर को आराम से या प्यार से बतानी चाहिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये चीजें सबको ध्यान में रखनी चाहिए।